एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है एक हॉल वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी गिव यू वन डिस्क्लेमर दैट जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ आज, वो सारे या तो मैंने लॉकडाउन से पहले परचेज किए थे और वो धीरे धीरे अब आए हैं, या फिर कुछ ऐसी नेसेसिटी थी जो कि मैंने आफ्टर थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा ईजी हो गया था तब मैंने परचेज किया, जिससे कि मेरे को वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। सो आई बॉट देम देन। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये प्रॉपरली सैनिटाइज हैं और मैंने इनको एक हफ्ता तक टच नहीं किया था। एंड जितने भी कपड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, क्लोथिंग आइटम्स, वो सारे मैंने सैनिटाइजर में डिप करके रखे थे फॉर 1 आवर एंड देन यूज्ड इट। सो या दीज वर द प्रिकॉशंस आई एम टेकिंग फॉर ऑल ऑफ माई ऑर्डर्स, जो भी मैं ले रही हूँ ये लिए थे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी वॉट आई हैव गॉट। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एनी ऑफ दैट, यू कैन जस्ट गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाय इट फॉर योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथिंग कलेक्शन आई बॉट। सो स्टार्ट करते हैं इस शर्ट के साथ में जो मैंने लिया था मिंत्रा से, फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड टोक्यो टॉकीज। ये जो ब्रांड है इस पर मेरे को श्योरिटी नहीं थी कि वेदर ये कपड़ा अच्छा निकलेगा या नहीं, बट फॉर्चुनेटली कपड़ा बहुत अच्छा निकला। आई गॉट इट फॉर 490 रुपीज़। इसका जो प्राइस था शायद 1200 कुछ था, लेकिन मुझे 490 रुपये में मिला। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन मटेरियल में कपड़ा है एंड आई लव दिस शर्ट। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस शर्ट जो कि स्वेट अब्सॉर्बेंट मुझे फील हो रही है कि होगी। इसमें एक और वेरियंट था जो कि था वाइट। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मुझे वाइट लेना चाहिए ब्लैक, सो यू गाइज वोटेड फॉर ब्लैक, सो आई गॉट ब्लैक वन फॉर माई सेल्फ। एंड देन कुछ शॉपिंग मैंने की थी H&M से, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस टी इन न्यूड कलर। ये जो था 799 के पैक ऑफ 2 सेट थे, तो पहला कलर था ये वाला न्यूड, विच आई लव बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली कम्फी टी शर्ट। एंड देन आई गॉट वन ग्रे कलर इन द सेम। सो ये इसका ग्रे कलर है, काफ़ी इजी ब्रीजी, बहुत ही हल्का कपड़ा, मतलब कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है, लेकिन है बहुत लाइट, जिससे कि अच्छा स्वेट अब्सॉर्बेंट है ये और अच्छा ग्रे कलर है। देन आई वॉन्टेड टू एड सम कलेक्शन ऑफ स्कर्ट्स मेरे वॉर्ड्रॉब में, तो मैंने लिया ये वाला स्कर्ट जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग भी थी एंड आई गॉट इट फॉर डिस्काउंट फॉर अप्रॉक्स 1300 रुपीज़। ये है एक प्लीटेड स्कर्ट फ्रॉम H&M। बहुत 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 अच्छा कपड़ा है गाइज। एंड इससे पहले भी मैंने H&M के बहुत सारे कपड़े ट्राई किए हैं, बट स्कर्ट मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ एंड बिलीव मी कि इससे अच्छी फिटिंग और इससे अच्छा कपड़ा मैंने और किसी, मतलब जो भी मैं मिंत्रा से ख़रीदती थी एंड ऑल, उससे मैंने नहीं देखा। एंड H&M की जो स्कर्ट है उसका बात ही कुछ अलग है गाइज। एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू गो फॉर अ स्कर्ट देन थोड़े से पैसे और सेव कर लो और H&M की ही स्कर्ट लो। आई वुड सजेस्ट कोई और ब्रांड मत लेना, आप ये मिंत्रा से भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो H&M की डायरेक्ट वेबसाइट से भी ले सकते हो, उसमें भी अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है हमेशा। मूविंग ऑन टू दी स्लिपर्स, मैंने मिंत्रा से एक स्लिपर ऑर्डर की थी विद दैट शर्ट जो कि है ये कैटवॉक की स्लिपर। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत क्लासी लगी। इस ये 599 की रेंज में मुझे मिल गई थी, अप्रॉक्स इसका प्राइस 1700 कुछ था और 500 किच की रेंज में मुझे मिल गई थी। मेरा नंबर है 7 नंबर इसमें और ये काफ़ी अच्छा है, तो ये सिंथेटिक मटेरियल का, लेकिन ये लगता बहुत सुंदर है पैरों में पहनने के बाद। इसमें एक ब्लैक कलर भी था बट मुझे ये टैन कलर ही चाहिए था। देन जो शॉपिंग मेरी है वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों को मिला के। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है पैंटीन एडवांस हेयरफॉल सॉल्यूशन, ये मेरा ख़त्म हो गया था और मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैं आफ्टर शैम्पू अप्लाई करती हूँ एज अ कंडीशनर, ऑफकोर्स दिस इज़ अ कंडीशनर तो मैं ऐसे यूज़ करूँगी, बट दिस इज़ वेरी नाइस एंड स्मूदनिंग कंडीशनर। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं और आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। दिस इज़ वेरी चीप, लाइक
ये जो है 180 रुपीस का है और काफी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है और ये काफी सॉफ्ट कर देता है आपके हेयर्स को, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है और मैं हर बार यही परचेस करती हूँ। एंड देन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया ये मेबलिन फिट मी कंसीलर, क्योंकि मेरा वाला खत्म हो गया था। आई एम इन द शेड मीडियम एंड आई रियली लाइक दिस कंसीलर अ लॉट। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये क्रीज भी नहीं करता आंखों के नीचे, इकट्ठा भी नहीं होता है। 475 रुपीस का इसका प्राइस है, बट 200 कुछ में मैंने इसको अमेजोन से लिया था क्योंकि अच्छी सेल चल रही थी। देन मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था जो मस्ट हैव ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था वेट एंड वाइल्ड का काजल। सो उस टाइम पे ये आया नहीं था, बट आई विल शो यू हाउ पिगमेंटेड दिस वन इज। सी, दिस इज़ अ ब्राउन काजल जो कि मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है, 135 रुपये का आता है सिर्फ। एंड दिस इज इन द शेड सेमा ब्राउन नाउ, और ये स्मज भी नहीं करता, इसकी खास बात ये है। और आज मैंने अपने आईज में यही लगा रखा है वाटर लाइन में, एंड मुझे ये बहुत पसंद आया और नेक्स्ट टाइम भी मैं ये लेने वाली हूँ अगर ये ख़त्म हो जाता है तो। सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मेरा पुराना वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मेरे को सस्ता और अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ पर मिलेगा। जो लोकल ब्रांड्स थे नायका पे वो भी 299 से शुरू थे, इससे ज़्यादा सस्ता मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था जब मैं ब्यूटी ब्लेंडर सर्च कर रही थी नायका पे। एंड देन अमेजोन पे मेरे को ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर दिखाई दिया फॉर 199 रुपीज, विच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, और ये फुल साइज़ का हो जाता है जब आप इसको डिप करते हो पानी के अंदर, और ये अच्छे से ब्लेंड करता है आपके मेकअप को और फ्लॉलेस लुक देता है। इट इज़ जस्ट फॉर 199 रुपीज़ और ये बहुत अच्छे से काम करता है। नायका पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर डालते हो तो ये नहीं आता है, तो आप कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर डालो तो ये डेफिनेटली आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट गाइज। अगर आप अपने लिए एक अच्छा एक्सफोलिएटर या फिर स्क्रब ढूंढ रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो फॉर मिल्क एंड हनी बाय ओरिफ्लेम स्वीडन। ये मेरे को इसका जो एक्चुअल प्राइस है ये 679 रुपीज़ का है 200 ग्राम की पैकेजिंग के लिए, बट ये मुझे 200 कुछ में मिला ऑन फ्लिपकार्ट। तो ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपने कभी इस तरीके का स्क्रब यूज़ नहीं किया होगा इन एनी ऑफ द लोकल ब्रांड्स जो कि एवर यूथ वगैरह के आते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही ग्रेनी, मतलब मोटा ग्रेन नहीं होता, फाइन ग्रेन होता है, और ये अच्छे से स्क्रब करता है आपके फेस विदाउट गिविंग यू हार्श इफेक्ट। सो ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि सिंस लाइक ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं सिर्फ मैं एक स्क्रब यूज़ करती हूँ विच इज़ दिस वन। इसके अलावा मैं और कोई फेस या बॉडी स्क्रब पे स्विच कर ही नहीं सकती क्योंकि आई लाइक इट सो डैम मच। लास्ट प्रोडक्ट इन दिस हॉल इज दिस चीकू टैल्कम पाउडर। सो मैं सर्च कर रही थी मामा अर्थ का टैल्कम पाउडर, बट वो हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था और काफ़ी जगह तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था। एंड ये जो टैल्कम पाउडर है ये भी पैराबेन फ्री है, विद राइस स्टार्च से बना हुआ है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस वाला है। मुझे बहुत पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस, तो मेरे को अपने बेटे के लिए मंगवाना था तो आई गॉट दिस वन फॉर हिम। ये जो है 179 रुपीज़ का इसका प्राइस है, बट ये मुझे डिस्काउंट पे नहीं मिला, बट इसका 500 ml वाला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट इट फॉर योर बेबी। सो या गाइज, दैट वो ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई वॉन्टेड टू शो यू एंड शेयर इट विद यू पीपल। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉल अच्छा लगा होगा, सो डोंट बैश मी टू परचेज ऑफ यू ऑफ देम इन दिस क्वारंटीन पीरियड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जहाँ पे मैं अपनी लाइफ अपडेट्स डालती रहती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ब्लॉग विद रूबल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।